जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप में से काफ़ी सारे लोग गैलेक्सी A50s के बारे में जानना चाहते हैं कैसा फ़ोन है। जो भी है, फ़ोन को मैंने ऑर्डर कर दिया है, फ़ोन आ जाए उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। रियलमी XT भी लॉन्च हो गया है, उसकी भी पहली सेल जब भी आएगी कोशिश करेंगे उसको भी बाय करने की, तो वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। जो भी है, जैसा भी है, पता लग जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली काफ़ी सारे लोगों के साथ ये ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि उनका स्मार्टफोन पानी में गिर गया होगा या पानी उसके ऊपर गिर गया होगा, तो ये ज़रूर हुआ होगा कुछ लोगों के साथ। तो यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पास एक स्मार्टफोन है, काफ़ी पहले लिया था मैंने उसको, काफ़ी पहले बाय किया था, मुझे काफ़ी पसंद है, अभी भी है मेरे पास। तो उसका नाम है ब्लैकबेरी Q10। आपको याद होगा मैंने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे स्क्रीन को स्क्रैच करके एक्सप्लेन किया था कि कैसे स्क्रैच वगैरह पड़ता है। तो उस दिन मेरा स्मार्टफोन क्या था, यहाँ छत के ऊपर रह गया था। उसके बाद वो फ़ोन वहीं रह गया था, बरसात हुई रात में, और बरसात होने के बाद उसके साथ क्या हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन मैं नोकिया 8.1 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब वो फ़ोन दिखा मुझे छत पे, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पे मेरा एकदम से ध्यान गया, मैंने देखा इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जा चुका था। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बरसात ऐसे 2-3 घंटे की नहीं हुई थी, यहाँ पर 10-20 मिनट की बरसात हुई थी। लेकिन 10-20 मिनट की बरसात होना पानी के ऊपर, उल्टा बोल दिया, मतलब स्मार्टफोन के ऊपर। तो उस समय क्या किया था मैंने, उस फ़ोन को उठाया तो ऐसे ही मैंने उसको वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। मेरे मन में वहीं पर आइडिया आ गया था, अगर ये फ़ोन बच गया तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे देखा, तो जाहिर सी बात है सबके साथ ऐसी होता है, तो मैंने सोचा क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, यहाँ पे इंटरनेट पे पढ़ा था, ऐसा नहीं कि ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये काफ़ी पहले वीडियोस बन चुकी हैं इसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया गया था। तो मैंने सोचा इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप फ़ोन को क्या करो, पहले बैटरी वगैरह को निकाल दो, उसके बाद ड्रायर वगैरह मार सकते हो उस पर। हालाँकि ये वाला आइडिया इतना सही नहीं है। सबसे सही क्या है कि आप फ़ोन के बैटरी वगैरह को निकाल दो, अगर आपका फ़ोन में बैटरी नहीं निकलती, सिम, मेमोरी कार्ड जो भी निकल सकता है सब निकाल दो। बैक कवर को जब मैंने रिमूव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी जा चुका था, लेकिन जब मैंने बैटरी को रिमूव किया तो यहाँ नीचे की तरफ पानी नहीं पहुँचा था, क्योंकि फ़ोन सीधा पड़ा था, डिस्प्ले ऊपर थी, तो यहाँ पे नीचे नहीं गया था पानी। लेकिन जब मैंने क्या किया, इसको ऐसे झटके मारा फ़ोन को, तो आप ये देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो नीचे छींटे गिर रहे हैं फ़ोन से। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कितना पानी फ्रंट साइड से अंदर गया होगा, जो भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फटाफट एक डब्बा लेके आया, और चावल होता है, चावल लेके आया, यानी कि राइस, यहाँ पे मैंने क्या किया, फ़ोन को उसमें डाला, उसके बाद चावल डाला, और उसी में कवर या बैटरी सब उसी पे डाल दिया। और चावल का अमाउंट इतना था यहाँ पे कि फ़ोन अच्छे तरीके से उसमें डूब जाए, तो यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, फिर उसको रख दिया 24 आवर के आसपास, 25-30 घंटे के आसपास मैंने रख दिया। अगले दिन जब मैंने उसको यहाँ पे खोला फ़ोन को, तो यहाँ पे देखा फ़ोन पूरी तरह से ड्राई तो हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा बाहर से तो ड्राई हो ही जाता है, अंदर जब मैंने क्या किया अच्छी तरह देखने की कोशिश की, कहीं भी पानी तो नहीं दिखा। उसके बाद थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह था जो चावल के अंदर छोटा मोटा होता है, उसको मैंने साफ़ किया, फ़ोन को यहाँ पे ऑन किया, फ़ोन बिल्कुल ऑन हो गया। उसके बाद इंस्टेंट मैंने वीडियो नहीं बनाया यहाँ पे, वीडियो मैंने 2 दिन बाद आपको बता रहा हूँ, फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो बात करने में हो, चाहे डिस्प्ले, हर एक चीज़ परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये तरीका काफ़ी अच्छे से काम करता है, अगर आपका स्मार्टफोन पानी में चला जाए तो उसको धूप में रखने से बेटर है, ये तरीका आप अपनाओ सबसे बेस्ट है। उस समय फ़ोन को ऐसे आप ऑपरेट मत करो, फ़ोन को अगर आप ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि जो भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं आप, रिमूव करके चावल में डाल के रख दो, कम से कम 1 दिन के लिए रख दो। उसके बाद आपके फ़ोन के जो बचने के चांसेस है, सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका फ़ोन बच जाएगा, जैसे कि मेरे वाला फ़ोन बच गया। आप इस चीज़ को करके देखना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ वैसे ना हो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ट्राई ज़रूर करना। आपको पता था इसके बारे में या नहीं पता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना ही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।